हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बच्चों के लिए लंच बॉक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती है, आप इनको कभी भी बच्चों को दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी मेरी बारीक वाली है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसको थोड़ा सा पीस लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गुनगुना रखना है आपको पानी। अब इसमें सूजी डाल के हमको सूजी को भिगोना है। हमको सूजी को फूलने के लिए सिर्फ भिगोना है, इसका कोई बैटर वैटर हमको नहीं बनाना है। सिर्फ इतना ही पानी हमको इसमें ऐड करना है कि जो हमारी पूरी सूजी है वो अच्छे से पानी से भीग जाए। बस हमको इतने ही इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी का हमको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, नहीं जो हमारी पूड़ियाँ है वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। तो बस हमको इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से, तो ये देखिए जो हमारी सूजी है ये पूरी तरह से भीग गई है और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगा है। अब आइए चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ मैंने 2 उबले आलू ले लिए हैं। सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने आलू लिए हैं। सूजी मैंने छोटे वाले कप से लिए हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ 2 आलू लिए हैं। आप सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से ही आलू लीजिएगा। अब इसको हमको क्या करना है कि जो कद्दूकस वाला, ये कद्दूकस आता है ना अदरक पीसने वाला, उससे हमको कद्दूकस कर लेना है। इसका मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल भी हमारे जो आलू में है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जब आप पूड़ियाँ बेलेंगे ना तो फटने लगेंगी अगर आप आलू को अच्छे से मैश नहीं करेंगे इस वजह से। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि हम थोड़ा सा कलौंजी लेंगे। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने आधी चम्मच जीरा लिया है और आधी चम्मच मैंने यहाँ गुल अजवाइन लिए हैं। इसको हाथों में डाल के थोड़ा सा हम क्रश कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ मैंने आधी चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या तो कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। तो नमक आपको जितना भी डालना है पूड़ी को, जितना मतलब जितनी आपकी पूड़ियाँ हों, जितने हिसाब से क्वांटिटी से आप सामान ली हैं उसी हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया से आपकी पूड़ियाँ देखने में भी, लुक में बहुत अच्छी लगेंगी और धनिया की पत्ती का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से ऐड करिए। और अभी बहुत ही इजीली धनिया की पत्ती मिल भी रही है। गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लेकिन अभी आपको मिल भी जाएंगी, तो अगर हो तो इसको भी ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद इसको अच्छे से हमको सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। हमको ये देखिए जो हमारा आलू का है ना, तो भरता टाइप का बन गया है। तो इसमें और भी अगर आपको कुछ भी बच्चों को फ्लेवर पसंद हो, पिज्जा हब पसंद हो, ओरिगानो पसंद हो, तो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, हमारी सूजी, इधर हमारी सूजी भी देखिए पूरी तरह से फूल गई है और पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है बहुत ही, और बिल्कुल भी गीली नहीं है, आटे की डो की तरह है। तो इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि इसमें जब आप आटा ऐड करेंगे ना तो सूजी के लम्स नहीं होंगे और आलू अलग नहीं होगी, सूजी अलग नहीं होगी, तो एक दो बार अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो सूजी भी सॉफ्ट है और आलू भी सॉफ्ट है, तो आपस में बहुत ही इजीली मैश भी मिक्स भी हो जाएंगे। इस तरह जब हाथों के प्रेस से थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगी, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है कि जिस हिसाब से मतलब जैसे हमने वो लिया है सूजी, उसी हिसाब से हमको आटा लेना है। और इसके बाद इसको आटे को डालते डालते, पूरी आटा को एक ही बार में हमको नहीं डालना है, थोड़े थोड़े आटे को डालते हुए इसका एक बहुत ज़्यादा टाइट डो बन के नहीं रेडी करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही बना के रेडी करना है। इसको आटे को डालते डालते थोड़ा बहुत आटे को ऐसे बीच बीच में डालते रहेंगे और इसका हमका एक डो बना के रेडी कर लेना है ताकि जो हमारी पूड़ियाँ हैं तो वो बहुत ही अच्छे से फूलें। और इसमें इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, आधा आटा गेहूं का और आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यह बहुत हेल्दी बता रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है कि 1 चम्मच हमने बिल्कुल भी अभी ऑयल इसमें ऐड नहीं किया था, 1 चम्मच ऑयल लेके इसको अच्छे से एक दो बार अच्छे से इसको मिक्स कर देना, अच्छे से मैश कर लेना, मतलब अच्छे से और एक दो बार अच्छे से इसको डो की फॉर्म में ले आना है, गूंथ लेना है आटे को, ताकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल रेडी हो जाए पूड़ियाँ बनाने के लिए।
तो ये देखिए ये कितना इजीली प्रोसेस है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के इस नाश्ते में दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं। आप खुद सुबह के नाश्ते में जब आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो और झटपट बन जाने वाला हो, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही इजी और से बन जाएगी। इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। मैदा से क्या होगा कि मैदा हमको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से पता है क्या होगा, मैदे से ये कि आपकी ऑयल जो कढ़ाई में जब इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल खराब भी नहीं होगा, और मैदा बहुत हल्का रहता है तो आपकी पूड़ियों का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप मैदा लीजिए, लेकिन अगर आपको मैदा नहीं लेना है तो आप आटा, गेहूं का आटा भी ऐसे ही डस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हम लोई बना के अच्छे से इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही इजीली बेल भी जाएंगी, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी रोटी बेलते हैं उसी हिसाब से आप इसको बेलिएगा, इनमें बेलने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार मेरे कहने से इस तरह की पूड़ियाँ जरूर बना के देखिएगा, सच में फ्रेंड बहुत टेस्टी बनेंगी, बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी। इसके बाद क्या करना है, इसको बेल के मैं यहाँ एक प्लेट में रख दूंगी, तो आप मैं मतलब दो ही पूड़ियाँ बनाऊंगी। आप जितनी पूड़ियाँ बनाते जाइए उतनी पूड़ियों को ही आप तलते जाइए, आप बना के मत रखिएगा। मैं भी यहाँ दो ही पूड़ी बनाऊंगी और मैं भी बनाती जाऊंगी और इनको फ्राई करती जाऊंगी, इससे नहीं तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं तो वो आटा है तो वो थोड़ा सा सूखने लगेगा। तो आप जो बेलिएगा उसको ही तुरंत कढ़ाई में फ्राई करते चले जाइएगा, इससे आपकी पूड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो ये देखिए देखने में ही कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस लग रही है। एक बार कभी भी आप इसको बना सकते हैं, जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का और झटपट बन जाने वाला नाश्ता खाने का मन हो ना, तभी आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों पूड़ी अपनी बना के रेडी कर ली हूँ। अब चलते हैं इनको, यहाँ मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ऑयल में हम थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के बैटर का देख लेंगे, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, क्योंकि हमको इस इन पूड़ियों को अच्छे से ऑयल में गर्म करना है। ये नहीं कि कम ऑयल गर्म हो और आप पूड़ियाँ डाल दें तो उससे अच्छे से पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं, तो हमको खूब अच्छे से ऑयल गर्म करके ही ये पूड़ियों को फ्राई करना है। तो पूड़ियाँ डाल देंगे और इनको अच्छे से इसी तरह, तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ फूलना स्टार्ट हो गई है। आप चाहे तो इनके ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस दिख रही है। आप एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये सच में बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनेंगी। आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं, आपको इसमें किसी भी सब्जी, किसी भी सॉस और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनमें सारे फ्लेवर ऐड कर रखे हैं। तो एक बार ज़रूर ये पूड़ियाँ आप अपने घर में कभी भी ट्राई कर सकते हैं। अब गर्मियों का सीजन है तो किचन में खड़े रहने का मन भी नहीं होता जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप इनको झटपट बच्चों को लंच बॉक्स में, नाश्ते में कभी भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह मैं आपको दूसरी पूड़ी भी, तो ये देखिए कितनी टेस्टी, इसी तरह मैं आपको दूसरी पूड़ी भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पूड़ी भी बिल्कुल हमारी जैसे भटूरे नहीं होते वैसे बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बन के निकल रही हैं। तो आप चाहे तो किसी भी स्पैचुला से थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर से प्रेस कर देंगे तो जो किनारे होते हैं वो भी आपके पक जाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फ्राई करने में, और इनमें ज़्यादा बिल्कुल ऑयल भी नहीं लगता। तो ये देखिए जितनी भी पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं वो सारी पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल गुब्बारे जैसी और बिल्कुल भटूरे जैसी फूल के निकली हैं। तो इससे क्या आपका ऑयल भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल मैदा लगाया था, तो इसलिए आपकी पूड़ियों का कलर भी चेंज नहीं होगा और आपका ऑयल भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी पूड़ियाँ बनके, मैं इसी तरह सारी अपनी पूड़ियाँ जो हैं बना के रेडी कर लूँगी। एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को बनाइएगा, झटपट बन जाने वाला वीडियो है। तो इसी तरह मैं अपनी जितनी भी मेरी पूड़ियाँ हैं उनको बना के मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए मेरे इतने आटे में मेरे 4 से 5 से 6 पूड़ियाँ बन के रेडी हुई हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी, कितनी मतलब बहुत टेस्टी बनेंगी पूड़ियाँ। आप सच में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, किसी भी आपको चाय के साथ ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, आपको इसमें सब्जी सॉस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही ये मतलब कुरकुरी बनेंगी, बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।